जय तेलंगाना, ये नारा लगाते लगाते तेलंगाना बन गया। सभी राज्यों में पेड़ लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन केसीआर ने जिस तरह से विजन किया और जिस तरह से ये जन आंदोलन बनाया, ऐसा कार्यक्रम देश में कहीं नहीं हुआ है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और सारे देश में जब देखेंगे लोग, तो अगले साल दूसरे राज्य में भी इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। तेलंगाना मिल गया, लेकिन इसको हरित हरम बनाना यह हमारा काम है, उसको हरा भरा बनाना। आज 24वीं सदी तेलंगाना हरित हरा भरा है, उसको 33% करने का यह आंदोलन है। मुझे विश्वास है आप इसी तरह से काम करोगे तो 10 साल में यह उद्देश्य पूरा होगा और 33% के पेड़ दिखने भी लगेंगे। यह जबरदस्त माहौल होगा, यह विश्वास है। सारी जनता आई है, जैसे चुनाव में आते हैं पेड़ लगाने को आए, और पेड़ जब लगा रहे तो पेड़ की रक्षा करना भी हमारा काम है। और इसलिए जो सड़क के किनारे अभी हजारों महिला और पुरुष सबने लगाए हैं पेड़, हमारे बच्चे जैसा उसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये सब बहुत खर्चे का भी मामला है। मैं कहना चाहता हूं कि मॉनिटरिंग होना चाहिए, लेकिन इसके लिए धन भी जुटाना चाहिए। सभी पैसा राज्य सरकार के पास नहीं होगा। दुर्भाग्य इस देश का, वनीकरण के लिए जमाए हुए 35,000 करोड़ रुपए बैंकों में सड़े हैं, बैंकों में पड़े हैं। पिछली सरकार ने काम नहीं किया, कोर्ट के फैसले के कारण वो बैंकों में जमा हो रहे जो जमीन पर पेड़ के लिए लगने चाहिए। ऐसा कैंपा फंड का पैसा 35,000 करोड़ है। हमने तय किया कि इस फंड को मुक्त करेंगे। उसके लिए जो कानूनी पेश था वो निकालने के लिए हमने एक कैंपा बिल बनाया है।